हेलो एवरीवन, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लौकी की लौज बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये लौकी की लौज हम झटपट बना सकते हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है या हमारा कोई व्रत होता है तो हम इस तरीके से झटपट लौकी की लौज बना सकते हैं। इनको बनाना है बहुत ही आसान। तो लौकी की लौज बनाने के लिए मैंने ये दो लौकी ली है। ये वजन से बताऊँ 1 किलो लौकी है। तो हमें इस तरीके की छोटी लौकी लेनी है, ज़्यादा बड़ी लौकी नहीं लेनी है। ज़्यादा बड़ी लौकी में फिर बीज निकल जाते हैं और हमारी लौज अच्छी नहीं बनती। तो हमें एकदम कच्ची लौकी लेनी है। वो लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया है और अब मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ कद्दूकस से। तो हमें इस तरीके से लौकी को कद्दूकस से ग्रेट कर लेना है। तो ये मैंने सारे लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और गैस का फ्लेम ऑन करके मैंने इस पर एलुमिनियम की भारी तले वाली कढ़ाई रख दी है। और अब इस कढ़ाई में मैं ये सारी लौकी की जो ग्रेट किए थे ये डाल रही हूँ। तो ये मैंने सारे लौकी को डाल दिया है और अब मैं एक प्लेट लूँगी और प्लेट से इसको अच्छे से ढक दूँगी। तो 5 मिनट हम इसको ढक करके पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद हम ये प्लेट को हटा देंगे और हमारी लौकी अच्छे से पक चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गई है और इसमें से बहुत सारा पानी भी निकल गया है। तो अब हम इस पानी को, सारे पानी को जला देंगे, इसको एकदम लौकी को ड्राई बना लेंगे। तो हम गैस का फ्लेम तेज करेंगे और तेज फ्लेम पर हम इस सारे लौकी के पानी को जला देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे लौकी को ड्राई कर लिया है और अब मैंने 1 किलो चीनी ली है। हमें 1 किलो लौकी में 1 किलो ही चीनी डालनी है। इसका मेजरमेंट हमें बिल्कुल सही तरीके से करना है, नहीं तो हमारी लौज अच्छी नहीं बनेगी। 1 किलो लौकी में मैंने 1 किलो ही चीनी डाली है और चीनी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। चीनी डालते ही हमारी लौकी में से बहुत सारा पानी निकल जाता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे लौकी कि हम इसकी अच्छी सी चाशनी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और इसकी साइड को भी अच्छे से पलटे से इस तरह साफ करते रहना है। ये लौकी की लौज बनाना बहुत ही आसान है। इनको हम झटपट बना सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में या कोई त्यौहार होता है, जन्माष्टमी पर भी हम इसको झटपट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आप एक बार बनाओगे तो बार बार आपका खाने का मन करेगा। तो अब मैं इसको 10 मिनट पकते हुए हो गए थे, एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो अभी हमारी ये चाशनी तैयार नहीं हुई है, अभी इसमें से कोई तार वगैरह भी नहीं बना है। तो अभी हमें इसे 5 मिनट और पकाना है। इसकी पहचान ये होती है फ्रेंड्स कि जब ये अच्छे से पक जाती है तो ये किनारी से चीनी हमारी जमने लगती है चाशनी की, तभी हमारी चाशनी तैयार होती है। तो हमें 5 मिनट तक इसे और पकाना है और इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए रहना है। तो ये चाशनी हमारी साइड से लगनी शुरू हो गई है। एक बार फिर चेक कर लेती हूँ मैं इसे। तो अभी चाशनी हमारी अच्छे से तैयार नहीं हुई है, अभी हम 2 मिनट और पकाएंगे इसको। अब थोड़ी सी ये गाढ़ी हो गई है और साइड से भी चीनी इसकी लगने लगी है। तो इस स्टेज पर फ्रेंड्स, हम इस पर इसमें थोड़ा सा मावा डालेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये मैंने 1 लीटर दूध का मावा निकाल लिया था और 1 लीटर दूध में से ये शायद 1 पाव मावा है, 1 पाव मैंने इसमें मावा डाला है। मावे को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मावे की जो ये डली हैं इनको हम अच्छे से एकदम इसमें
घोट लेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी कुटाई करेंगे, हमारी बर्फी इतनी ही मुलायम बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो मावे को इसमें डालकर मैंने इसकी अच्छे से कुटाई कर ली है। इसमें कोई भी गांठे लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। वो ये बिल्कुल एकदम जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो अब मैं एक बड़ा सा बर्तन लूंगी जिसमें इसको आसानी से फैला सकूं। तो ये मैंने एक परात ली है और इस पर मैंने थोड़ा सा एक चम्मच घी डाला है, और घी को डालकर हाथ की हेल्प से अच्छे से मैंने इस पर फैला दिया है, जिससे जो हमारी जो लौकी की लोज है वे अच्छे इस पर चिपके ना। तो अब मैं इस लौकी का जो ये बैटर तैयार किया था, ये मिक्सचर सारा इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है और इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे। इसको मैंने फैला लिया है और अब मैं इसको एक कटोरी की तली पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इससे बिल्कुल एकदम इसको प्लेन कर लूंगी। मैंने कटोरी की तली पर थोड़ा सा घी लगा लिया और इससे एकदम प्लेन कर लेंगे हम इसको। वही मैंने लिए हैं थोड़े से काजू और बादाम, पिस्ता और बादाम लिया है मैंने। इसकी बारीक कतरन कर ली थी, ऊपर से इसको गार्निश के लिए डाल रही हूँ। इससे हमारी जो लौकी की लोज है देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसको भी हम इस तरीके से इधर से दबा देंगे जिससे ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं इसको जमने तक छोड़ देती हूँ, यानी कि 10-15 मिनट में ही हमारी लौकी की लोजी अच्छे से जम जाएगी। तो 10-15 मिनट के बाद मैं चाकू से इसके पीस बना लेती हूँ। तो ये पीस फ्रेंड्स आप किसी भी शेप में बना सकते हो, जो शेप आपको पसंद है उसी में ही आप ये लौकी की लोज के पीस बना सकते हो। तो मैंने इसको चौकोर शेप में बनाया है। और इन पीसेज को अब हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये मैंने सारे पीस निकाल लिए हैं। तो देखा फ्रेंड्स, हमारी लौकी की लोज झटपट बन के तैयार हो गई है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप और बर्फी खाना तो भूल ही जाओगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की सारी अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।